हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ड्राइवर। उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में। आपका 2020 भी बहुत अच्छा गुजरा होगा, और उम्मीद है कि अगर आपने 2020 में अपना लव पार्टनर या सूटेबल पार्टनर जो है वो परफेक्ट पार्टनर फाइन नहीं किया होगा, तो हो सकता है 2021 में आपको आपका परफेक्ट पार्टनर मिल जाए। ये सिंगल स्कॉर्पियोज की रीडिंग है, और मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में मेरी वीडियोस को शेयर करें। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस से, मेरी रीडिंग से आपको कोई हेल्प मिलती है या आपसे रेजोनेट करती हैं, तो मुझे भी आपसे फेवर चाहिए कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट में मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि मुझे अपने चैनल ग्रो करने में मदद मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको व्यू करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो। If you feel that my reading somehow resonates you or helpful to you, so please do some favor for me. It can be ये जो है आपके फीडबैक की तरह होगा कि जो मेरी रीडिंग्स हैं उससे मुझे आपकी तरफ से जो फीडबैक मिलेगा उससे ये भी पता चलेगा, और एक तरह से अगर मैं आपकी लिए कुछ करूँ तो आप भी मेरे लिए ये थोड़ा बहुत तो आप कर ही सकते हैं। सो होपफुली ये सबके लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने कार्ड वैसे शफल कर लिए हैं, सिंगल स्कॉर्पियोज की रीडिंग है ये। मैं 3 कार्ड स्प्रेड करूँगी। थ्री कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो। टू ऑफ सोर्स। स्कॉर्पियो, आपको कोई डिसीजन लेना है, किसी डिसीजन में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, किसी पर्सन के हवाले से हो सकता है, किसी अर्थ साइन के हवाले से। आप वैसे सिंगल हैं और आप किसी कमिटमेंट में एंटर होना चाहते हैं, या फिर आपके माइंड में कोई पर्सन है उसके हवाले से आपको डिसीजन लेना है। हो सकता है वो अर्थ साइन हो, आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस, वीरगो, कैप्रिकॉर्न। आपके पास में 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आपको हो सकता है जब आप मतलब दिसंबर में कुछ हेल्थ इश्यूज रहे हो, या कोई एंजाइटी की फीलिंग हो, कोई किसी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्लीपलेस नाइट आपको गुजारनी पड़ी हो, इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है स्कॉर्पियोज आपके लिए। लेकिन हो सकता है ये एनर्जी जब आप जनवरी में एंटर हो रहे हो तब की हो, स्टार्ट ऑफ द जनवरी की भी हो सकती है, लेकिन ये पास्ट की एनर्जीज हैं। तो 9 ऑफ सोर्ड्स में आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी से गुजर रहे हैं, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन है आपको, और लेकिन अब आप अपने आप को इस टेंशन से बाहर निकालना चाहते हैं। मिड मंथ में आपकी ये एनर्जी होगी कि 4 ऑफ सोर्ड्स जो है हो सकते हैं मिड मंथ की एनर्जी हो, या फिर ये करंट आपकी एनर्जी है कि आप इस एंजाइटी की सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कुछ भी नहीं सोचना चाहते, कोई भी टेंशन वाली चीज़ें। अगर आप किसी चीज़ से कंफ्यूज हैं, कोई डिसीजन आपको लेना है और आप उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का शिकार हो रहे थे, तो अब आप कुछ भी नहीं सोच विचार, हो सकता है सोच विचार आप करें, लेकिन फ़िलहाल आप रिलैक्स करना चाहते हैं अपने आप को, अपने माइंड को, जो एंजाइटी थी उससे अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं। और एंड ऑफ द मंथ में आपके पास ये किंग ऑफ वॉन्ड है, तो हो सकता है एंड ऑफ द मंथ में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, बहुत ज़्यादा काम में बिजी भी मुझे अगर आप हो सकते हैं, लेकिन या फिर आप किसी फायर साइन, कोई फायर साइन पर्सन है जो एंड ऑफ द मंथ आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो, या फिर यही पर्सन जिसके हवाले से आप प्रैक्टिकली कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, अब आप उस पर एक्शन करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं इस डिसीजन पे। खैर हम देखते हैं कि ये किस तरह से क्लेरिफाई होता है। 9 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लेरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स फॉर स्कॉर्पियो। प्लीज़ क्लेरिफाई यूनिवर्स 9 ऑफ सोर्ड्स फॉर स्कॉर्पियो, सिंगल स्कॉर्पियो। ओह,
टेन ऑफ सोर्ड्स, समथिंग वेरी, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा पेनफुल है आपके, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वरीड थे, या कोई ऐसी चीज़ हुई आपके साथ जिसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो, एक्सीडेंट वगैरह, या फिर किसी की डेथ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। फोर ऑफ सॉर्ड इज फोर ऑफ सॉर्ड अगेन, यानी फोर ऑफ सॉर्ड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग मैसेज है स्कॉर्पियो इस मंथ में, मतलब जनवरी 2021 में। तो फोर ऑफ सॉर्ड आपको, आप बहुत ज़्यादा किसी ऑपरेशन से गुजर रहे हैं, या कोई हेल्थ इशू हुआ है आपको, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो, इस चीज़ से आप निकल के थोड़ी रिलैक्सिंग पोजिशन में आए हैं स्कॉर्पियोज। हो सकता है ये आपकी दिसंबर वन की एनर्जीज हो। देखते हैं फोर ऑफ सोर्ड्स क्या है। प्लीज यूनिवर्स क्लियरिफाई दिस फोर ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल। आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है प्रैक्टिकली जो चीज़ें पहले ख़राब हो गई थी, जो भी एंजाइटी थी, जो माइंड आपको, माइंड जो आपका डिस्टर्ब था, उसको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। प्रैक्टिकली आप जेनरस हो दूसरों की तरफ, टूवर्ड अदर्स, अपने आप को रिलैक्स करना चाह रहे हो दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करके। अब आप भी विलिंग हैं इस चीज़ से बाहर आने में। चैरियट, सक्सेसफुली आप मूव ऑन करें इस जो भी एनर्जी थी, इससे आप सक्सेसफुली मूव ऑन करें। बैलेंस हुई है आपकी लाइफ, और इस रिलैक्सेशन से आपने आराम किया है। हो सकता है कोई हेल्थ इशू हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा एनजाइटी, कोई पेन है, कोई तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा कोई पेनफुल सिचुएशन, किसी ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, उससे आपने अपने आप को रिलैक्स किया, और अब आप जो है सक्सेसफुली इस पेनफुल सिचुएशन से, हर्टफुल सिचुएशन भी हो सकती है, ये हर्टफुल सिचुएशन से आप सक्सेसफुली मूव ऑन करें। हो सकता है, और देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड क्या है आपके लिए स्कॉर्पियो। आप रिलैक्स कर रहे हैं, सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जेनरस हो रहे हैं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके, अपने अपना माइंड डाइवर्ट करने की भी आप कोशिश कर सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड, टेन ऑफ कप्स, हो सकता है आप कोई सेलिब्रेट कर रहे हो, फैमिली सिचुएशन, सेलिब्रेशन किसी कोई एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पर। टॉवर, हो सकता है यहाँ पे कुछ मिस्टीरियस है, कुछ मिस्टीरियस चीज़ें चल रही हैं बिहाइंड द सीन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कहाँ रखा जाए इसको ओके, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, और एक सेलिब्रेशन सेलिब्रेट कर रहे थे आप अपनी फैमिली हैप्पीनेस को, लेकिन उसमें भी एक अनएक्सपेक्टेड सी कुछ फैमिली ब्रेकअप हो सकता है। ये क्या अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपको आपकी इस इमोशनल फुलफिलमेंट को, जो हैप्पीनेस आप अपनी फैमिली के साथ मनाने बना रही थी आफ्टर दिस पेनफुल सिचुएशन, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर लिया था और इससे अपने आप को मूव ऑन कर रहे थे, लेकिन किसी फैमिली सिचुएशन में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। हो सकता है कुछ खुशी मनाते मनाते कुछ ऐसी चीज़ आ जाए कि आप वो खुशी ना मना पाए, या बहुत ज़्यादा हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड सी फैमिली कि न्यूज़ आपको मिले, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। हो सकता है इस पर्सन की तरफ से आपको एक कोई ऐसी न्यूज़ मिले जो आपके लिए अच्छी न्यूज़ हो सकती है, लेकिन आपके लिए वो डाउन मोमेंट बन जाए। हो सकता है ऐसा कुछ हो, लेकिन यहाँ पे मुझे एक ऐसा लगता है कि खुशी में कुछ ब्रेक आया है, या वो आप मनाते मनाते रह गए हैं या नहीं मना पा रहे, या फिर इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिस्टीरियस हिडन एजेंडा चल रहा है।
या वे क्वीन ऑफ वॉन्ड दोबारा से हो तो डेफिनेटली किसी फायर साइन से आप डील करेंगे, और इस फायर साइन के साथ कुछ मिस्टीरियस है जो कि कुछ हिडन न्यूज़, कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ बिल्कुल हिडन सी जो न्यूज़ होती है वो आपको मिले। खैर देखते हैं कि किस तरह से पैन आउट होता है। प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सिचुएशन किस तरह से पैन आउट होती है। सो स्कॉर्पियो, ये आपकी रीडिंग थी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।